हेलो दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है वो है MI8A और MI8A डुअल, दोनों में ये काम करेगा। तो अगर आपका फ़ोन MI8A या MI8A डुअल MI8 ऐसा मॉडल का है, तो अगर आपका फ़ोन हैंग हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी सेटिंग्स में जा रहे हो, कोई भी ऐप्स ओपन कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली वापस आ रहा है, एग्जिट हो जा रहा है, मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आपको क्या करना है वो आप पूरा वीडियो देख के कर लेना। मेरा जो फ़ोन आप अभी देख पा रहे हो, वहाँ पर आपको क्या क्या करना है वो आप देख के कर लेना। मैं ये जो रिकॉर्डिंग है बाद में कर रहा हूँ, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो पहला काम आपका जो है वो आपका पूरा फ़ोन का जो डाटा है वो कहीं और पे सेव करना है, मतलब फ़ोन में कोई भी डाटा नहीं रखना है। आपका फ़ोन का जो पूरा डाटा है वो पूरा इरेज हो जाने वाला है। तो आपको पहले फ़ोन का जो पूरा डाटा है वो किसी जगह कोई लैपटॉप पे या कोई पेन ड्राइव पे करके रख लेना है। उसके बाद फ़ोन का जो ईमेल आईडी को रिमूव करना है। आप देख पाओगे कि मैंने कैसे रिमूव किया। या अगर आपको कोई ईमेल आईडी रिमूव करना नहीं आता है, तो आप यूट्यूब में या आप देख के कर लेना कि कैसे ईमेल आईडी को रिमूव करता है एक एंड्रॉइड फ़ोन में से। तो वो दो बात, पहला आपको डाटा कहीं पे स्टोर करके रख लेना है, और दूसरा जो आपका ईमेल आईडी को हटा देना है। उसके बाद मैंने जो प्रोसेस किया रीसेट का, इस प्रोसेस को करना है। उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो जो पहले से बेहतर परफॉर्म करेगा, और आपका फ़ोन इस कंडीशन में आ जाएगा कि जो पहले हो रहा था कि आपका ऐप्स ओपन हो रहा था और फिर से वो ऐप्स रिमूव हो जा रहा था, वाइट स्क्रीन आ रहा था। तो इससे आपका जो फ़ोन का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बढ़ जाता है इस फॉर्मेट करने से। और मैं बताना चाहूँगा कि इस फ़ोन में अगर आप पबजी, फ्री फायर जैसा गेम को इंस्टॉल करते हो, तो आपका फ़ोन लैग होगा ही होगा, उतना इसमें कैपेसिटी नहीं है अंदर कि ये वो उस गेम को इस फ़ोन में बहुत आसानी से चल जाए। तो इस फ़ोन में हैंग होना है, तो थोड़ा बहुत अगर आप चाहते हो कि मेरा फ़ोन सही चले, तो इस तरह से प्रोसेस को अप्लाई करना। तो मेरा जो पूरा बात है वो सुन के और वीडियो को देख के कर लेना, और जो मैंने बोला कि डाटा को स्टोर रखना उसको रख लेना, नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे से कमेंट में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने बोला और मैंने कर दिया और पूरा डाटा हमारा चला गया। तो पूरा वीडियो देख के आप करके अपना जो मोबाइल 8A या 8A डुअल है उसको आप सही कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा भी होता है तो मेरा भी एक फ़ायदा कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं। थैंक यू।